बकेवर बकेवर वी आर गोइंग टू बकेवर। हाईवे तो बड़ा अच्छा है और ऑटो की स्पीड भी बहुत अच्छी है। हम कहाँ उतरे थे? कानपुर इटावा। हाँ, इटावा जंक्शन उतर के हमने ये ऑटो ली और अभी हम बकेवर जा रहे हैं और मेरे ख्याल से 7:30 के करीब शाम को हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद का हाल मैं आपको बताऊँगा। और बहुत ही अच्छे बकेवर पहुंच चुके हैं। अब हमें अपनी मैं नहीं दिखाता अपनी शक्ल, मेरी शक्ल खराब हो रही है आलोक की और विवेक की, देखो ठीक है एलियन हो रहे हो मैं भाई, मुझे चोट लग रही है। अब ये बकेवर आ गए हैं, इवनिंग का टाइम है और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ऑटो करेंगे और फिर उसके बाद कितनी देर में पहुँचेंगे हम? 5 मिनट में और तेरी शक्ल आनी जरूरी है। आधे आधे घंटे में पहुँचेंगे आलोक आना जरूरी है ठीक है। क्यों बेब, कहाँ है? हाँ हाँ चलो भाई, फाइनली एटीएम मिल गया और एटीएम के अंदर जाके पैसे निकालते हैं। एटीएम से निकाल लिए हैं पैसे ने आलोक ने और विवेक ने। हाँ देर से ढूंढ रहे हैं चाय, ठीक है। विवेक को पीनी है चाय और आलोक को भी पीनी है चाय, ठीक है। तो हम चाय ढूंढ रहे हैं चाय। मैं अपने आप को दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी शक्ल बड़ी खराब हो चुकी है, मेरी आंखों पे भी सूजन आ गई है, ठीक है। चलो मैं फिर भी दिखाई देता हूँ, देखो मेरी आंखों पे कितनी सूजन आ गई है इधर, इसकी वजह से ये शंकर जी के यहाँ माथा फोड़ा। ये देखो ये पूरी सूज गई है मेरी आंख, ठीक है, बट इट्स ओके। अभी हम ये कौन सी जगह आलोक? बकेवर ही है। क्या है? बकेवर। भाई मैं तो पहली बार आया, मैं तो एलियन से लग रहा हूँ इधर के लोगों को, वैसे भी ऊपर से मेरी आँख के सूज गई है। चाय भाई चाय नहीं मिली, कहाँ चाय? हाँ ताऊ तो पान है ताऊ के पास, ताऊ के पास पान समोसे, ताऊ के पास है समोसे। भाई एक काम करो अभी घर ही निकल लो, बोल ले रहा वो खाएगा। क्या ले लेंगे? चलो भाई बकेवर के समोसे खाएंगे, बकेवर के समोसे। भैया समोसे दे रहे हैं हमें, बैग सही कर लूँ भाई? अरे यार मैं खटाई खाऊँ कि ना खाऊँ, सूजन आ रही है। अरे वैसे खानी तो नहीं चाहिए ना, नहीं खानी चाहिए ना। अरे वाह दिल तो पहली बार देखो हमने ऐसी जगह पे, टोकन मरी। पेटीएम भी है तो भाई, पेटीएम भी कर दो। अभी तो फिलहाल समोसे खाएंगे, समोसे खाते खाते जाएंगे। चलो तो बहुत बनाई ना, तो बहुत काम है।
भाई ये मिला है समोसा, आलोक समोसा कैसा इधर का? बढ़िया बढ़िया। हाँ तू तो बोलेगा तेरे गांव का जो है विवेक ये भी हाँ ही बोलेगा, इसको तो खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं सारी की सारी। मैं रिस्क ले रहा हूँ भाई, मुझे सूजन आ रही है आँखों में, बट मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ, डर के आगे जीत है। ठीक है, सही बात है ना लोग? ठीक है, अभी चाय चाय में जाएंगे, अब इनका जो एलियन वाला लुक था वो खत्म होगा शायद तो ऑपरेशन की तैयारी शुरू, एक छोटा सा ट्रीटमेंट होना है। दुआ करो के भाई जिंदा आए। ये ऑपरेशन में सुन हो रहा है ताकि इनको पेन ना हो, सब प्रे करेंगे ठीक रहे। सब ठीक हो जाएगा, अभी सुन हो गई आपकी चोट, अब इस पर एक छोटा सा चीरा और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं चीरे के बाद क्या होता है। ट्रीटमेंट और मैं ट्रीटमेंट के बाद कुछ ऐसा नजर आ रहा हूँ आलोक, और अभी पता नहीं भाई क्यों नहीं रुक रही ये दर्द भरा मंजर विवेक ने अपनी आंखों से देखा है और यार सच में यार बड़ा पेनफुल था यार, तो अभी भी सूजन है, रहेगी थोड़ी देर। 10 बजे के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, 10 बजे तक आपको थोड़ा सा नियंत्रण बरतना होगा हर चीज़ के लिए यार मतलब ऐसे मतलब है ना, जब भी कहीं पे जाते हैं घूमने फिरने मुझे लगाए थे यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, कहीं पे भी घूमने जाओ तो अच्छे तरीके से अपने उस फंक्शन को उस चीज़ को अटेंड मतलब एंजॉय नहीं करना, अपनी चोट को लेके अपने दुख को लेके डॉक्टरों के पास भागते रहो। फाइनली स्ट्रीट लाइट है, मेरा हो गया ऑपरेशन डन, रात का मौसम हो रहा है, अभी हम रात को पहुंचेंगे आलोक की बुआ के घर। हाँ, आलोक की बुआ के घर जाएंगे रात को। और यार देखियो मैं तो बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाई, अगर वो सुन नहीं करता ना भगवान कसम आज तो लंका लगनी थी पक्का। ओहो, सुन करने के बाद भी मतलब इतना एहसास हो रहा था दर्द का, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, देखो अभी ये ऐसा भूतिया रास्ता है पूरा का पूरा सुनसान, तो इसको क्रॉस करके हम मिलेंगे बुआ जी के घर पे। ओवर एंड आउट। सामने जो दिखाई दे रहा है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा ऐसा ही है, अभी आ चुका है गांव। कौन सा गांव है भाई ये? दिस इज बेरी खेड़ा। और ये जो सामने लाइट्स दिखाई दे रही हैं आपको घरों की, यही है आलोक जी बुआ का मकान, और अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। गांव का सीन देखो जरा रात के समय कैसा होता है, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अब। ओके, सो अभी आलोक बताएगा, ये सामने जो मकान दिखाई दे रहा है ये है हमारी डेस्टिनेशन, और ये गली में बैठा है छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा डॉगी। ठीक है, काट लेगा तो भाई मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है आलोक, जरा बेल बजाई जाए, दरवाजे का रंग बदल चुका है और ये हम दरवाजा खुला हुआ है अंदर घुस गए हैं।